हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार में। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स पास वाले बेल आइकन को भी आप दबा दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट और ऑफिशियल वीडियो सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और इसी प्रकार आप ऑथेंटिक प्रूफ के साथ न्यूज़ देख पाएंगे। और दोस्तों बढ़ते आज की लेटेस्ट अपडेट में। आज की दोस्तों जो लेटेस्ट वीडियो है ये है कि आरपीएससी फर्स्ट गेट भर्ती 2018 के एग्जाम डेट से संबंधित एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। एग्जाम डेट को लेकर खबर, अशोक गहलोत ने दिया बयान, डेट को लेकर घोषणा, जल्द मिल सकती है खुशखबरी, उसी को लेकर अपडेट है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा आपके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, अशोक गहलोत जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से उन्होंने ट्वीट किया 21 मिनट पहले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो ट्वीट किए उन्होंने अशोक गहलोत, आप इस पे देख सकते हो सामने अशोक गहलोत के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जाके भी आप देख सकते हो ट्वीट जो किया उन्होंने ट्विटर पे 9:46 PM पे के आज की डेट में। और उन्होंने क्या कहा, जो छात्रा टैंकी पर चढ़ी हुई है उनके लिए मैं चिंतित हूँ और मेरी उनसे अपील है कि उन्हें तुरंत नीचे उतरना चाहिए। सरकार युवा और बेरोजगारों के हित में सदैव तत्पर रही है, सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि जो टंकी पर चढ़ी है 5 छात्रा, आप सभी को मालूम होता कल से वो चढ़ी हुई है और इसको लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों सरकार है वो आप मान सकते हो कि एग्जाम डेट बढ़ाने के पक्ष की बात मैं नहीं करूँगा कि वो बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी या, लेकिन दोस्तों सरकार है वो अभी तक मतलब आप मान सकते हो कि झुक गई है सरकार। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले, मतलब और भी वार्ता हो सकती है और उसके बाद में कोई फैसला हो सकता है, लेकिन जो सरकार वो कह सकती है कि इस ट्वीट को देखने के बाद ये लग रहा है कि सरकार वो अभी तक पक्ष में ही है। अशोक गहलोत का और एक ट्वीट है, इस परीक्षा के लिए पहले भी अपने अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए 2 बार तिथि को आगे बढ़ाया। आप सभी को दोस्तों मालूम हो तो 2 बार इस तिथि को आगे बढ़ाया जा चुका है, सरकार आगे और भी भर्तियां निकाल सकती है। इसने दोस्तों इस इन्होंने जो लिखा है, सरकार आगे और भी भर्तियां निकाल सकती है। दोस्तों एक लिखने का तरीका होता है, सरकार सीधा ये नहीं कह सकती कि एग्जाम डेट बढ़ गई है, लेकिन दोस्तों मान सकते हो सकारात्मक संकेत वो मिल चुके और कल तक या तो मीटिंग में फैसला हो सकता है या वार्ता भी हो सकती है, उसके बाद में कोई फैसला हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक जो इन ट्वीट के बाद दो ट्वीट किए उन्होंने, ट्वीट के बाद ये लग रहा है कि जो आपके एग्जाम डेट है वो बढ़ने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो गई और सरकार है वो इन बच्चों के समर्थन में आ गई है। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको बताई। इसी प्रकार के आप न्यूज़ प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब कर दें। आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।